जाओ, बताओ जाके राहित को, अभी जाओ जाओ। लेकिन अपनी मॉम को भी कह देना कि तुम्हें यहां से ले जाएं। तलाक मैं तुम्हें बच्चा होने के बाद दे दूंगा। इतनी हिम्मत कहां से आई? कोई ना कोई आसरा तो मिला है जो उसमें इतना हौसला आ गया है। मैं तुम्हें यहां इस खौफ से नहीं रखा हुआ कि तुम राहित को सब कुछ बता दोगी, बल्कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हें मोहब्बत में यहां रखा हुआ है। लेकिन अगर तुम मुझे मोहब्बत और इज्जत नहीं दे सकती तो हाजरा यहां से चली जाओ। मैं इज्जत नहीं दे सकती? हाँ, क्योंकि मुझे एक हंसती मुस्कुराती शोकियां करती हुई बीवी चाहिए। तुम जब से आई हो तुमने मुझे अहमियत ही नहीं दी, बल्कि मुझसे ज्यादा महापारा और राइत के झगड़े में मसरूफ हो। हाजरा, अगर मेरी जगह कोई भी होता ना, वो भी यही करता, बल्कि अब तक तुम जैसी लड़की को तलाक देकर किसी दूसरी अच्छी लड़की से शादी कर चुका होता। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों इस घर का सुकून बर्बाद करने पर तुली हुई हो तुम? कौन सा सुकून बर्बाद कर दिया मैंने इस घर का? मेरे सामने तो बड़ी मीठी बनी रहती हो, सबके सामने सारा सारा करती हो, कहती हो कि राहित की दुश्मन नहीं हो। क्या कहकर आई हो राहित के लिए वहां? क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं आप? वही बातें कर रही हूँ जो तुम वहां कहकर आई हो। तुमने कहा कि राहित पागल है, तो आपने मेरे बारे में कौन से फूल बरसाए? आपने भी तो यही कहा कि मैं पागल हूँ। मगर मैंने तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में कोई बात नहीं की थी। क्या जरूरत थी तुमको महापारा के बारे में बताने की? क्यों जरूरत नहीं थी? मर गई है वो, माफ कर दो उसे अब। क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ कर हमारे घर का सुकून बर्बाद कर रही हो? आपका बेटा निकाल रहा है गड़े मुर्दे, मैं नहीं। वो उसे भूलने की कोशिश कर रहा है। तो फिर आप सुहेल के बारे में क्या कहेंगे जो मुझे हॉस्पिटल में मरता हुआ छोड़कर उस मापारा के पास चले गए थे? मापारा के पास? मापारा फिर से आपके बेटों को फंसा रही है। हो सके तो संभाल ले, कहीं ऐसा तो नहीं कि राहित भी उसके घर जा पहुंचा। पारा वाकई मर चुकी है। वो नहीं मरी मॉम, मैं उसे खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। कहाँ देख लिया तुमने उसे? तुम तो ग्रैंड लैंड बिल्डर्स गए थे ना फरीद साहब के साथ किसी से मिलने। हाँ मैं गया था, और जिससे मिलने गया था वो कोई और नहीं महापारा ही थी। उसने हमारे सारे पिछले ब्लंडर्स निकाल के हमें डिफेम किया, और आपको क्या लग रहा था कि आप मुझसे झूठ बोलेंगी तो मेरी नफरत उसके लिए कम हो जाएगी? अरे झूठ नहीं बोला, वो वाकई मर चुकी है। तो आपको क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं?